नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इंडिया टू डिफेंस पे। मैं लेके हाजिर हूँ आज का डिफेंस डिस्कशन एपिसोड 25। और इस एपिसोड में बात करने वाले हैं इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए एमीसैट सैटेलाइट के बारे में, और इस एमीसैट सैटेलाइट से इंडिया को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और ये सैटेलाइट किस तरह से काम करता है या फिर किस तरह से इंडियन डिफेंस में इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को हेल्प करने वाला है। सो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करें, ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज इंडिया ने अपना 13वां ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि इंडियन मिलिट्री यूज़ कर पाएगी। अब बेसिकली ये एक मिलिट्री रिकॉनेसेंस सैटेलाइट है जिसे इंटेलिजेंस सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली जान लेते हैं कि ये रिकॉनेसेंस सैटेलाइट होते क्या हैं। तो अर्थ पे किसी भी तरह की कम्युनिकेशन, मूवमेंट या फिर इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इस तरह की सैटेलाइट यूज़ की जाती हैं, जिसे स्पाइंग सैटेलाइट के नाम से भी बताया जाता है। और ये सैटेलाइट तकरीबन 5 तरह के होते हैं। पहला होता है मिसाइल अर्ली वार्निंग सैटेलाइट, दूसरा होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिटेक्शन सैटेलाइट, फोटो सर्विलेंस सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉनेसेंस सैटेलाइट और रडार इमेजिंग सैटेलाइट। तो ये कुछ मुख्य प्रकार हैं, और उसमें से जो हमारा एमीसैट सैटेलाइट है वो एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। तो अपना एमीसैट सैटेलाइट मिशन कौटिल्या के थ्रू 2013-2014 की एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, और उसके अंतर्गत DRDO एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक पेलोड इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया जा रहा था DRDO के द्वारा। और इस एलनिट सिस्टम का जो इंटीग्रेशन है वो इंडिया के ही एक इंडिजिनस सैटेलाइट से होना था, और इंडिया उसे लॉन्च करने वाली थी, और यह ऐसा मेंशन था 2013-2014 के एनुअल रिपोर्ट में। अब बात कर लेते हैं इस पेलोड की, उसके बाद बात करेंगे एमीसैट की स्पेसिफिकेशंस की। तो पहले मिशन कौटिल्या में यूज किया गया इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पेलोड है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि यूजुअली किसी भी रडार इमेजिंग सैटेलाइट में होती हैं, वही हम मेंशन करेंगे। वैसे तो पब्लिक डोमेन में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एमीसैट के कौटिल्या पेलोड में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन एक रडार इमेजिंग के लिए क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं उसे हम मेंशन जरूर करेंगे। तो एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट में यूज होती है एक ऐसा सिस्टम जो कि KU बैंड की एनर्जी का यूज करे और जिसकी रेंज हाई हो, और एक ऐसा सिस्टम जो कि KA बैंड की वेवलेंथ का यूज करे जिसका रेंज हाई हो। और इस पैनल पर लगा होता है एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और एक एक्सटेंसिव डेटा रिकवरी सिस्टम, और साथ में एक ऐसा पैनल होता है जो यूज कर रहा होता है KA बैंड की किरणों को, वो एक सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा होता है। तो ये मुख्य चीजें होनी चाहिए किसी भी एलनिट सिस्टम में, और यही इंडिया के कौटिल्य पेलोड में होगा, तभी ये किसी भी रडार सिग्नेचर को पकड़ने में सक्षम होगी। अब बात कर लेते हैं एमीसैट सैटेलाइट की। तो ये सैटेलाइट तकरीबन 336 किलोग्राम का है। इसे लॉन्च किया गया है इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-45 से, जो कि 4 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ करता है। और इस सैटेलाइट को प्लेस किया गया है अर्थ के ऑर्बिट में, जिसकी डिस्टेंस 753 किलोमीटर है। 99 डिग्री एंगल पर प्लेस किया गया है इसे, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक टाइम गैप आएगा अगर ये एक रेवोल्यूशन पूरा कर रहा होगा। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में एमीसैट का सेकंड वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा उस टाइम गैप को कवर करने के लिए। तो अभी बात कर लेते हैं एमीसैट की वर्किंग की। तो ये कैसे काम करता है, या फिर कोई भी सैटेलाइट एलनिट सिस्टम कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, दुश्मन के रडार्स को पकड़ने के लिए आजकल जो सिस्टम यूज होते हैं वो अवैक्स सिस्टम होते हैं, और उससे भी आप एडवांस जाओगे तो एक सिस्टम है जिसका ऑर्डर भारत ने 6 की क्वांटिटी में किया है, वह रेडियन द्वारा निर्मित सेंटियल। ये एक एयरक्राफ्ट है जिसे ISTAR के नाम से बताया जाता है। तो ये ग्राउंड पे सबसे एडवांस इस तरह का सिस्टम है जो कि दुश्मन के रडार सिग्नेचर्स डिटेक्ट कर सकता है, और लेकिन अब इस काम को अच्छे से और बखूबी कर सकता है इंडिया का एमीसैट, जो कि पूरे विश्व में बहुत कम ही देशों के पास है, जैसे कि चाइना, US और रशिया। तो एमीसैट में जो कॉम्पोनेंट होंगे वो होगा सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि यूज करेगा ऐसे किरणों को जिनकी रेंज 40 GHz तक की होगी, और जो यूज कर रहे होंगे 7.5 mm वेवलेंथ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इस तरह की वेवलेंथ को यूज करने वाले सिंथेटिक अपेचर रडार्स किसी भी बादल या फिर बैड वेदर में भी अपना काम करने में सक्षम होंगे, मतलब दुश्मन के रडार सिग्नेचर को पकड़ने में सक्षम होंगे। और वहीं पे इसके साथ लगा होगा KU बैंड का सैट कम्युनिकेशन, जो कि जो भी इन्फॉर्मेशन ये गैदर कर लेगा यहाँ पे दुश्मन के ये रडार्स हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन KU बैंड का यूज करके ग्राउंड बेस्ड स्टेशंस को पहुँचाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दुश्मन के रडार की इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा, जैसे ही ये सैटेलाइट ऊपर से एक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स छोड़ता है, और वो वेव्स जाके दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट बेस्ड रडार्स या फिर जो भी रडार्स उनके नेवी शिप्स पे हैं या फिर ग्राउंड बेस्ड रडार हैं, हर तरह के रडार से हो रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जब टकराएंगे, तो सैटेलाइट द्वारा भेजे जा रहे वेवलेंथ और दुश्मन के रडार से एमिट हो रहे जो वेवलेंथ है, उन दोनों के टकराव के बाद एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, और जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन गैदर हो पाएगी कि जिस रडार वेव से ये पर्टिकुलर वेव टकराई है तो उस रडार वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, और उस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ये बता दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई रडार है या फिर कोई सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी। ये ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह से एंटी रेडिएशन मिसाइल काम करती है अपने ट्रैकिंग मोड में। वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे कि यहाँ यहाँ पे इनके रडार्स हैं,
और जो इसमें लगा है सिंथेटिक अपेचर रडार, वो पर्टिकुलरली हेल्प करता है किसी भी मूविंग टारगेट को ट्रैक करने में। मतलब अगर नेवी शिप पे कोई रडार लगा है या फिर एयरक्राफ्ट पे कोई रडार लगा है, वो मूव भी कर रहा होगा तो भी इसमें लगे सिंथेटिक अपेचर टेक्नोलॉजी उन सभी के रेडियो मिशन को ट्रैक करने में सक्षम होगी। और इन सभी दुश्मन के ट्रैक्ड रडार की इन्फॉर्मेशन ग्राउंड बेस्ड स्टेशन तक पहुंचाने के लिए स्पेशली KU बैंड बेस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज किया जा रहा है ताकि वो एनक्रिप्टेड और सेफ रहे। तो बेसिकली इस तरह से काम करने जा रहा है इंडिया का एमीसैट। वैसे भी आप सबको पता होगा हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम है जिसका नाम निसार है, उस पर इसरो और नासा ने मिलकर काम किया है और ये कैपेबल है एस और एल बैंड के सिस्टम्स को यूज करने में। और अब हमारे पास एमीसैट प्रोग्राम है जो कि एक्स बैंड की किरणों का यूज कर रहा है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा ये एमीसैट सैटेलाइट बेस्ड है इंडिया के ही मिनी सैटेलाइट IMS-2 बस पे जो कि 800 वाट का सोलर पैनल यूज करता है। ठीक उसी तरह एमीसैट भी अपना सोलर पैनल यूज करेगा। तो अब बात कर लेते हैं इंडिया को कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं एमीसैट की वजह से। तो सबसे पहले दुश्मन के जो भी रेडिएशन आ रहे हैं उनके रडार बेस्ड सिस्टम से या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से उन सभी का पता लगा पाएंगे हम। और इस तरह के इन्फॉर्मेशन काफ़ी हैंडी साबित होते हैं किसी भी ऑफेंसिव स्ट्राइक के दौरान। दूसरा एडवांटेज मैं बताऊंगा कि दुश्मन का मूवमेंट किस तरह का है इंडियन ओशियन रीजन में, इसका भी पूरा ब्यौरा रख पाएंगे क्योंकि उनके नेवी शिप्स पे लगे रडार्स इस चीज़ को जग जाहिर कर देंगे। और इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि LOC के नज़दीक जितने भी लॉन्च पैड्स हैं आतंकवादियों के, उनका पता लगाया जा सकेगा क्योंकि एमीसैट के जो रडार सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ग्राउंड बेस्ड आर्टिकल में थोड़े से भी चेंज हो जाने पे वो उनको पकड़ने में सक्षम होंगे। तो ये था एमीसैट के ऊपर हमारा एक छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।